Hi everyone, this is Rock Rock Studio 9 और आज के वीडियो में हम एडवांस गिटार प्रोग्रामिंग विद एम्पल गिटार लेके डिस्कशन करने वाले हैं। ये एक दो पार्ट का वीडियो सीरीज है, शायद और भी पार्ट्स हो सकते हैं, जहाँ पे हम लोग एडवांस गिटार टेक्निक्स, कैसे रियलिस्टिक गिटार प्रोग्रामिंग आपको करना है एम्पल गिटार के साथ, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एम्पल गिटार के जो एडवांस फीचर्स हैं, जैसे कि रिफर या फिर जो एफएक्स सेक्शन है एम्पल गिटार का, ये सब कुछ लेके हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे रिफर लेके। अगर आपके पास रियल गिटार नहीं है तो भी आप रियलिस्टिक गिटार कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन, आरपेजियो और लीड लाइंस, तो फिर ये ट्यूटोरियल आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप मेरे चैनल पे नया हैं तो चैनल को चेकआउट करना मत भूलिए। ऐसा कंटेंट ये एक्सक्लूसिवली स्टूडियो 9 के चैनल में आपको मिल सकता है। यहाँ पे और भी कई सारे वीडियोस हैं, एफएल स्टूडियो, स्टूडियो 1, सॉन्ग मेकिंग, अरेंजमेंट, गिटार के ऊपर कई सारे वीडियोस हैं, जरूर आप उसको चेकआउट करिए। आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वापस आते हैं आज के ट्यूटोरियल में। सबसे पहले एम्पल गिटार मार्टिन जो है इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहले हम लोगों ने जो ट्यूटोरियल्स बनाए थे वहां पे हम लोगों ने इसके जो स्ट्रमिंग कैपेबिलिटीज हैं उसको लेके डिस्कस किए थे। अच्छा, स्ट्रमर तो ये है ही, गिटार रिफ प्ले करने का और गिटार लीड लाइंस प्ले करने का भी कैपेबिलिटीज हैं इसमें। सबसे पहले जो सेक्शंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज द मेन सेक्शन जहाँ पे आप एक एक नोट को प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है, थोड़ा सा गिटार के बारे में आपको नॉलेज है, तो आप समझ सकते हैं कि गिटार ऐसे प्ले होता ही नहीं है। ऐसे सिंपल सिंपल नोट लगाना गिटार में ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है। बहुत ही ज्यादा आर्टिकुलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारे हैमर ऑन, पिच बेंड्स, पुल ऑफ्स, स्लाइड्स, ट्रिमोलोज, ये सारे होता ही रहता है। तो ये सब कुछ प्रोग्राम करने के लिए हम लोगों को स्पेशलाइज्ड वीएसटी चाहिए, जैसा कि एक है एम्पल गिटार। यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, इसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, आई विल फोकस ऑन हाउ टू मेक म्यूजिक विद दिस। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर आप ये सारे जो फीचर्स हैं यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, खास करके ये जो चार बटन हैं यहाँ पे, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रमर। स्ट्रमर के ऊपर मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये वाले प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके सारे जो एम्पल गिटार के सॉन्ग मेकिंग सेशंस हैं वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द रिफर, जहाँ पे आज हम लोग फोकस करने वाले हैं। इसके बाद एक टैब सेक्शन है, एक एफएक्स सेक्शन है, एक सेटिंग सेक्शन है और सैम्पल एडिटर भी है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा फीचर है, विच इज दिस फिंगर लाइब्रेरी, स्ट्रॉम लाइब्रेरी, पिक लाइब्रेरी, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। सो फिंगर के साथ अगर प्ले करते हैं गिटार तो एक डिफरेंट वाइब आपको मिलेगा, और अगर आप पिक के साथ प्ले करते हैं तो आपका जो अटैक है, आपके जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो थोड़ा और ट्रिबली होता है और ज़्यादा अटैक आता है उसमें। फॉर द रिफ्स आई पर्सनली प्रेफर द फिंगर लाइब्रेरी, क्योंकि रिफ अगर हाथ से आप प्ले करते हैं इट साउंड्स बेटर। तो जो रिफ हैं, रिफर हैं, इसको लेके हम आज डिस्कस करने वाले हैं। गिटार रिफ्स क्या होते हैं इसको समझने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है गिटार रिफ को सुनना। बहुत सारे गाने हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स, इवन हिंदी सॉन्ग्स भी है कई सारे, स्टार्ट होता है एक बहुत ही लेजेंडरी गिटार रिफ के साथ। ऐसा ही एक गाना है कार्निवल ऑफ रास्ट बाय पोएट्स ऑफ द फॉल। और एक बहुत ही फेमस गिटार रिफ का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, विच इज स्वीट चाइल्ड। तो मैं एक रिफ का एग्जांपल देता हूं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है अलविदा बाय केके। ये अगर आप सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली एक गिटार रिफ से स्टार्ट होता है। तीनों मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है। अगर आप कोई भी गाना इनमें से नहीं सुने हैं तो जरूर आप सुनिए। ये सारे जो रिफ हैं, ऐसा ही एक रिफ मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है विच साउंड समथिंग लाइक दिस, जिसको पहले मैं आपको सुनाता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे ये रिफ प्रोग्राम करना है।
स्टार्टिंग के लिए चीजों को बहुत सिंपल रखते हैं, लेकिन ये जो रिफ है ये समझने के लिए आपके जो बेसिक गिटार टेक्निक्स हैं उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफर में मैं एकदम स्क्रैच से इसको मैं डिजाइन करके आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द रिफर। यहाँ पे बहुत सारे रिफ हैं, ये जो बटन हैं यहाँ पे इसके साथ आप डिफरेंट डिफरेंट जो रिफ्स हैं उसको सुन सकते हैं। इसको अगर आप सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि व्हाट रिफर इज कैपेबल ऑफ। ये एक पियानो रोल में प्रोग्राम करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और वीएसटी में अगर ऐसा कैपेबिलिटीज नहीं हो तो आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो हम लोग एक नया रिफ क्रिएट करेंगे यहाँ पे। सो दिस इज द रिफ सिंक टॉगल। तो अगर आप ये ऑन करते हैं तो आपका इसका जो टेम्पो है उसके साथ ये मैच हो जाएगा। सो आई विल कीप इट ऑन। तो देखिए ये होस्ट का टेम्पो है 83, यहाँ पे 83 हो गया। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं टाइम सिग्नेचर सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो नोट्स का डिवीजन है वो आप सेट कर सकते हैं। आई विल जस्ट कीप इट 4/4 and 1/16। अभी यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें से इम्पोर्टेंट जो है वो है ये वाला मेट्रोनोम। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, दिस इज द फाइल, यहाँ पे देखिए क्लियर ऑप्शन है। सारे जो कंट्रोल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जरूर उसमें गौर कीजिए, और अगर हो सके वीडियो को पॉज करके आप देखिए। तो दिस इज द फाइल ऑप्शन, यहाँ पे मैं जाता हूँ क्लियर ऑल कर रहा हूँ। सो सब क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, सो यू कैन लोड एनी पर्टिकुलर रिफ और यू कैन सेव समथिंग। अभी दिस इज द टूल्स विच वी हैव, वी यूज टू स्प्लिट, वी कैन ड्रॉ नोट्स, वी कैन मूव नोट्स, वी कैन इरेज नोट्स, ये सारे जो हैं ये हम देखेंगे। दिस इज द बार ऑप्शन, यहाँ पे मेजर लिखा हुआ है बट दिस इज अ बार। अगर आप चाहते हैं इसको 2 बार लॉन्ग कर सकते हैं, 3 बार 4 बार लॉन्ग कर सकते हैं। सो आई विल कीप इट टू 1 बार। अभी अगर मैं मेट्रोनोम को ऑन करता हूँ तो आप सुनिए, मैं इसको प्ले कर रहा हूँ यहाँ से। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो एम्पल गिटार है ये थोड़ा एक्चुअली डिले करता है। इसको कंपेंसेट करने के लिए व्हाट यू कैन यूज मिक्सर डिले ऑप्शन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैक लेटेंसी, जो FL स्टूडियो में यहाँ पे दिखेगा। सारे DAWs में आपको ट्रैक डिले का ऑप्शन मिलेगा। अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप एक प्लगइन यूज कर सकते हैं, विच इज अ फ्री प्लगइन, शेंगो लेटेंसी डिले। तो यहाँ पे अगर आप 50 ms का डिले सेट कर देते हैं तो ये आपके जो बाकी के ट्रैक्स हैं, बाकी के जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके साथ ये सिंक हो जाएगा। सो यू हैव 1 and 2 and 3 and 4 and, टोटल 16 bits हैं यहाँ पे, स्मॉल डिविजन्स हैं नॉट बिट्स। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं दिस आर द गिटार स्ट्रिंग्स। ये ऊपर से नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे जा रहा है कि EADGBE ऐसे ही है गिटार में जो स्टार होते हैं। और यहाँ पे जो दो चीजें आपको दिख रहा है, दिस इज FX और स्ट्रिंग, इसका भी यूज हम करेंगे। तो सबसे पहले जो रिफ है वो शुरू होता है ई नोट के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक नोट बिठाता हूँ, सो इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। अभी मेट्रोनोम के साथ इसको थोड़ा सुनते हैं। अभी जो नोट्स हैं ये आपको पहले दिमाग में सोचना पड़ेगा कि हाउ द रिफ विल साउंड। अभी कौन से स्ट्रिंग में वो नोट आएगा वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे देखे देख सकते हैं, पीछे मूव करते हैं। मूव कैसे करना है, शिफ्ट पकड़ना है आपको। शिफ्ट पकड़ के अगर आप ऐसे करेंगे तो ये मूव होगा यहाँ पे। तो इसके बाद मैं इसको नीचे से नंबर 3 या ऊपर से नंबर 4 स्ट्रिंग में इसको बिठा के देखते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपरली आ रहा है। इसके बाद ये नोट जहाँ पे खत्म हो रहा है कि डिंग टेडिंग टेडिंग, तो यहाँ पे एक स्लैप होगा। ये जो स्लैप है तो इसको मैं यहाँ पे FX की दौर पे देखूंगा, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा नॉइस आपको आएगा। मैं यहाँ पे अगर डाउन स्ट्रोक नॉइस देता हूँ तो ये कुछ और होगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे स्लैप स्ट्रोक देना चाहता हूँ। तो गिटार के जो उड्स हैं वहाँ पे अगर स्लैप करते हैं
तो ये ऐसा साउंड करेगा। तो ये जो दो नोट्स हैं, ये अभी भी सेम नोट्स हैं, तो इसको मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि इसमें अगर आप ड्रैग करते हैं तो आप देखिए ये जो गिटार के नोट्स हैं इसका जीरोथ फ्रेट से शुरू करके हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऐसे सारे नोट्स जो हैं एक कीबोर्ड में रहता है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। और भी ऊपर जाएगा, अभी सुन के देखते हैं। अभी ये जो दूसरा नोट है इसको मैं हैमर ऑन करना चाहता हूं, ना कि नॉर्मल सस्टेन नोट। तो यहां पे मैं इसको क्लिक करता हूं, नॉट दिस वन, यहां पे क्लिक करके एच ओ पी ओ जो लिखा हुआ है ये हैमर ऑन पुल ऑफ है, इसमें मैं क्लिक कर देता हूं। तो देखिए ऊपर में एक साइन आ जाता है, विच मीन्स ये जो नोट है ये हैमर ऑन होगा। अभी इस नोट का वेलोसिटी वॉल्यूम अगर आपको चेंज करना है तो आप यहां से ऊपर से कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा कम वॉल्यूम में रखूंगा। ये जो स्लैप है इसका भी वॉल्यूम अगर आप चाहते हैं इसको और थोड़ा सा माइल्ड स्लैप कर सकते हैं। ये तो हो गया। अभी डन टा टा ये जो पार्ट है यहां पे स्लाइड इन हो रहा है वो मैं करने की कोशिश करता हूं। यहां पे दो नोट्स हैं, अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो दो नोट्स का यहां पे एक हारमोनी होता है। दो नोट्स तो आ गए मेरे पास। अभी इसको प्रॉपर जो नोट्स हैं, प्रॉपर जो पोजीशन है वहां पे लेके जाना है। लेकिन पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों का मैं सिलेक्ट करके इसका जो लेंथ है इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं। तो अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों नोट में मुझे स्लाइड इन चाहिए। तो यहां पे मैं क्लिक करता हूं, अभी देखिए स्लाइड इन है। ये अगर मैं कर देता हूं देखिए ये वाला साइन यहां पे आ जाता है। सो हैव अ लिसन। तो यहां पे मुझे इसको प्रॉपर पोजीशन में लेके जाना है। तो इसको अगर मैं ट्रैक करता हूं तो ये ऊपर जाएगा। अभी भी थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी सुन के देखते हैं। नाउ इसके बाद और एक स्लैप होगा, तो यहां पे मैं और एक स्लैप देना चाहूंगा। डन। अभी इसको क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके ऐसे ड्रैग करेंगे। दिस इज ऑल सिलेक्टेड। अभी ऑप्शन पकड़ के ऑल्ट या ऑप्शन पकड़ के आप इसको लेके जा सकते हैं, यहां पे मूव कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट मेक अ कॉपी ऑफ इट। ये मेरे पास आ गए, अभी ये दोनों सेम है। अभी मुझे क्या करना है, ये जो ई है इस नोट को चेंज, ये सारे नोट्स मुझे चेंज करना है एक्चुअली। तो इसको मैं शिफ्ट पकड़ के नीचे से थर्ड स्ट्रिंग ऊपर से फोर्थ स्ट्रिंग में लेके जाता हूं। अभी इसको मैं क्या करूंगा, डी कर देता हूं, जो नोट है वो है डी। सुन के देखते हैं। ये जो नोट है ये नीचे आएगा। तो ये जो नोट है ये नीचे आएंगे। और ये थोड़ा और नीचे आएगा। अभी सुन के देखते हैं। तो हम लोगों का जो रिफ है वो तैयार हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, इसको बस पियानो रोल में आपको ड्रैग करना है। तो उसके लिए आपको ये बटन है, यहां से लेके अगर आप यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पियानो रोल में। मैंने ऑलरेडी ड्रैग करके रखा है तो मैं और ट्रैक नहीं कर रहा हूं। तो आप अगर आप यहां पे देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्स्ट्रा नोट हैं, दिस आर द आर्टिकुलेशंस नोट। देखिए कितने सारे नोट्स हैं, इसको ऐसे मैनुअली कर पाना बहुत मुश्किल है। ये जो नोट है, ये जो रिफ है, ये पूरे गाने का एक्चुअली बैकबोन है। अगर आप यहां से सुनते हैं तो ये था आज का ट्यूटोरियल।
I don't think ऐसा कंटेंट हिंदी में कहीं पे आपको YouTube में मिला होगा। If you like this video, definitely give it a thumbs up। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, जरूर आप मुझे कमेंट्स में बताइए। ये थोड़ा सा इनिशियली टफ लग सकता है, लेकिन एक बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप इसको पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही आप करिए, बहुत इजीली आप इसको समझ पाएंगे। सो दैट वाज द ट्यूटोरियल फॉर टुडे। ये जो फाइल है मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँ, आप जरूर इसको ट्राई करिए। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, दैट इज H9 वॉरियर्स। बहुत ही वाइब्रेंट म्यूजिशियन कम्युनिटी है, बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ पे। सो मंथली ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट ऑफ ऑगस्ट का विनर है कुशमेंद्र, कुशमेंद्र शर्मा, ही इज फ्रॉम आगरा। जो टॉपिक था, व्हाट आर द बेस्ट 5 फ्री VST एफेक्ट्स, कुशमेंद्र ने ये ब्लॉग लिखा है। अगर आप चाहते हैं तो स्टूडियो 9 म्यूजिक प्रोडक्शन के ब्लॉग में जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। सारे जो VSTs हैं वो कहाँ से डाउनलोड करना है, इसके जो इंटरफेस हैं, ये सब कुछ कुशमेंद्र ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। सो डू चेक इट आउट एंड बिग शाउट आउट फॉर कुशमेंद्र। अगर आपको भी कोई भी टॉपिक में ब्लॉग लिखना है वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, या फिर मंथली कंटेस्ट होते हैं वहां पे आप जरूर पार्टिसिपेट करिए। अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है तो आप जाइए S9 एकेडमी पेज में। यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो कोर्स रिलेटेड जितनी सारी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएं। हम लोग रॉक स्कूल की सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप रॉक स्कूल के कोई भी ग्रेड का म्यूजिक प्रोडक्शन का एग्जाम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, या फिर आप जो बेसिक कोर्सेस हैं या फिर एडवांस कोर्सेस हैं उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। और अगर आपको गिटार प्रोग्रामिंग अच्छे से जानना है तो ये वाले जो वीडियोस आपके स्क्रीन में आ रहा है जरूर इसको देखिए।